Good morning, children. So once again, we are back to our own track of video recorded lectures. Right? Unfortunately, we are supposed to close down. Whatever you say, it's a carelessness or a mistake, whatsoever it is. But once again, we are back into that old same story of video recorded lectures. Now see, basically, this is our first lecture of English text. Now, as you know, children, we have completed all the chapters, excluding one chapter, that is, If I Were You, as a part of your syllabus. Because say on 10th you are having exams, 10th February. We are supposed to include 7, 8, 9 and 10 in prose section. In poem section, as I told you in class, we are supposed to take 3 poems. That is poem number 7, poem number 8 and poem number 9. We will take 3 poems as a part of this syllabus. In case of supplementary lessons, we will take chapter number 7 and chapter number 10. These 2 chapters will be taken as a part of your supplementary reading. Now, what happens? Basically, in first session rather, I want to instruct you one thing. Whatever is taught in video lectures, it will not be repeated in class. Because see, in first season, when you were full year, last year at home, and when the new things came, take for example, transformation of sentences, figures of speech, all these things, it was almost delivered, I know. But still, maximum children are blank. That means they have not seen the recorded lectures properly. बेटा एक बात ध्यान रखने की है इट टेक्स लॉट ऑफ पेन इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेस टू रिकॉर्ड वन लेक्चर बहुत मुश्किल होता है एक लेक्चर रिकॉर्ड करने का एंड व्हेन वी आर सीरीज वी आर व्हेन वी आर सेंडिंग यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स विथ अटमोस्ट गुड फेथ रादर हम लोग ऐसे शूट करते हैं कि जैसे आप लोग हमारे सामने ही बैठे हो जैसे हम आपको समझाते हैं इतनी डेडिकेशन या डिवोशन से हम लोग ये लेक्चर शूट करते हैं आपको समझाते हैं एक एक चीजें बताते हैं फिर ये जान के बहुत दुख होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट सीइंग द लेक्चर्स प्रॉपरली एंड फॉर दैट लेट मी make you clear in this very first lecture. Not a single thing will be repeated which is delivered on video lecture. क्योंकि एक बार मैंने देख लिया दूसरी बार ये नहीं होगा अगर आप ऐसे सोचते हो कि भाई चलो हम एंजॉय करेंगे आनंद करेंगे फिर बोल देंगे डाउट है तो ये मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं होने वाला मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं ये मेरे सब्जेक्ट में मैंने हुई होने दूंगा कि मैंने फर्स्ट सेशन में देख लिया ऐसा नहीं है बिकॉज अवर लेबर इज टू बी पेड यू हैव टू सी दिस लेक्चर्स प्रॉपरली नंबर ऑफ थिंग्स इट हैपेंड व्हेन वी आर हैविंग इंटरेक्शन इन क्लास व्हेन लेक्चर इज डिलीवर्ड यू आर जस्ट सीइंग अ होमवर्क व्हाट होमवर्क इज गिवन यू आर सेंडिंग योर होमवर्क बस खत्म हो गया लेक्चर और पेरेंट्स से भी मैं मेरी विनती है कि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि बच्चा पूरा लेक्चर देखे लड़का या लड़की पूरा लेक्चर देखे उसके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए ताकि जो हम लोग मेहनत करते हैं वो मेहनत करता है वो बेकार में ना चली जाए
और उसका बेस या कोई ऐसा टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो इसको समझ में ना आए. प्लीज पेरेंट्स ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन दिस प्लीज. सो अल्टीमेटली चिल्ड्रन यू हैव टू सीरियसली वॉच दिस लेक्चर्स एंड यू नो द सिस्टम. एट द एंड ऑफ द लेक्चर माई पैटर्न इज दैट आई एम डिलीवरिंग होमवर्क ऑन व्हाइट बोर्ड एंड यू आर सपोज टू सेंड टू योर क्लास टीचर. सेंड योर होमवर्क टू योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर. नाइन्थ ए वाले बच्चे नाइन्थ ए के टीचर को भेजेंगे, नाइन्थ बी वाले बच्चे नाइन्थ बी के टीचर को भेजेंगे, नाइन्थ सी वाले बच्चे नाइन्थ सी के टीचर को भेजेंगे. सही बात है. नॉट अ सिंगल चाइल्ड शैल सेंड टू फैकल्टी बिकॉज वी कैन नॉट फॉरवर्ड दैट होमवर्क टू टीचर्स. आपके रिपोर्ट में मिलेगा आपने होमवर्क नहीं भेजा. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक. यू हैव टू सेंड योर होमवर्क टू योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स. यू अंडरस्टैंड. यू हैव टू सेंड योर होमवर्क टू योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स. ओके. सो इन अवर पोयम सेक्शन डक एंड द कांगारू my poem number 7 page number material 29 aap page material mein se dekh rahe ho to page number 29 pe sab kuch diya hai. is it clear. page number 29 pe ye sab diya hua hai. to the duck and the kangaroo is a very simple poem. basically this poem is made for children or children of third or fourth standard. In one class I have completed this poem, possibly in class C. yesterday I taught you. In class A and B this poem is left, so C will get one more chance rather to repeat, to go through the same poem, right? Second thing, no question answers of this poem is given in material. Neither it is given in reference book. So here what will happen, you have to write question answer constructing by your own self. Because see, after completion of this poem I'll make you to write all the questions on board, right, as a part of your homework. And that same questions will be asked in test when there will be test round, WRT of this poem. At that time not a single child can say sir isme to question answer hai nahi, hum kahan se learn kare, kyunki maine poem aapko hindi mein english mein samjhai hai, aapko question answer mein help kiya hai, wohi sare answers aapko wapas likhne hai. am I clear regarding the system? okay. now let us see. The duck and the kangaroo. Basically it is a humorous poem, a comedy poem. You know what is meant by duck and you know what is meant by kangaroo. First let us discuss the difference between these two. Duck is an aquatic animal, you know, and kangaroo is a terrestrial animal. Basically there cannot be comparison between duck and a kangaroo. You cannot compare this, right? You cannot compare duck as well as kangaroo with each other. Why? Because see, duck is duck, kangaroo is kangaroo. Both have different characteristics, but in this poem they are portrayed as both are having friendship with each other. Both are very well known friends to each other. Okay. Now let us talk about duck. Duck is small animal, bird rather, who is basically surviving in water. Sometimes it comes on river banks, sometimes it climbs some upper portion, raised portion, island type portion, right, feeding on small, you can say, insects, fishes or other eatables. Understood. Second thing, duck is made for swimming. When duck is swimming on in water, the belly portion, stomach का जो भाग है वो पानी पे तैरता है,
और सेकेंड थिंग दे हैव अ स्पेसिफिक डिजाइन वेल एग्स यू आर स्टडीड इन साइंस दे आर कॉल्ड वेब लेग्स स्पेसिफिकली डिजाइन जैसे हमारे हाथ है तो ये सब गैप वाली हमारी फिंगर्स है बीच में गैप है सही बात है ना डक का जो लेग होते हैं उसका जो पंजा होता है उसमें ये गैप नहीं होता है उसमें स्किन होती है समझ में ये पूरा सिंगल पीस होता है क्यों क्योंकि जैसे वो पानी में तैरता है तो दिस लेग्स एक्ट एज अ सेल्स टू पुश वाटर बैक अंडरस्टूड द सेम लेग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड जंपिंग इन वाटर दे आर यूज्ड एज सेल्स यू नो सेल्स आर लिटिल बिट ब्रॉड विच पुशेस द वाटर बैक विच अलाउज द बोट टू मूव फॉरवर्ड Same thing happens. Ducks are having webbed feet. When they are swimming in water, they will splash water. Right? They will swim in water according to opposite force. Understood? Because you know, God has gifted each and every characteristic to each and every living being to survive. Duck is gifted with this type of legs. Why? Because it can survive in water. Right? This was a simple parent. Duck is living in water. Sometimes it creates on the rises on the rice portion. Sometimes it comes on the river bank for sunshine, for enjoyment, for relaxing, for sitting, whatsoever. But it will not leave the bank. Duck cannot travel leaving the bank. Bank se jada dur nahi ja sakte. Aaya samajh mein? Wo bank nadi kinare ki taraf hi rehte hai. अगर कोई डेंजर का हिसाब आगाज हुआ अगर कोई डेंजर दिखा वो झड़प से भाग के पानी में चले जा सकते मतलब क्या सेफ्टी राइट ऑन सेकेंड ऑन अदर हैंड यू सी कांगारू कांगारू इज स्पेसिफिक एनिमल विच इज फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट बेसिकली कांगारू इज नॉट फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड राइट Kangaroo is only found in Australia. And if I am not wrong, kangaroo is the national animal of Australia. You have seen the Australian cricket team. They are having kangaroo in their cap. Right? Achha, what is the special characteristic of kangaroo? A kangaroo is an animal basically belonging to category of herbivorous class. Kangaroo is a herbivorous animal. It is having a pouch. Their stomach, right? Stomach ke portion pe kudrat ne usko ek pouch diya hota hai. Inside a little one is kept, baby is kept. When you watch kangaroo standing on the hind legs means back legs. The two legs are acting as hands, and back legs are acting as support. You can locate the child peeping outside the mother's pouch, right? Now see, other animals are having all four equal legs. Take for example deer, buffalo, cow, goat. Kangaroo is not having the same construction. Kangaroo's back legs are extremely sturdy and strong. Extremely sturdy and strong. While front legs are not that much strong and sturdy. And secondly, they are short in size compared to back legs. These short in size legs are used as hands when it is having a relaxation time, when it is having a free time. Now what happens? Basically, kangaroo is a herbivorous animal hopping and jumping and skipping in the grassland. Short type of grass is very fond to kangaroo. It relishes green grass. It enjoys, right? Now, the key characteristic of kangaroo is that it can run at the top speed of more than 60 miles per hour. Right? It can run at the top speed of more than 60 miles per hour. Your 60 miles stands for almost 80 to 85 kilometers. Understood? It comes to 80 to 85 kilometers. When there is danger, kangaroo is just hopping and jumping.
And basically these two hind legs gives a firm support. It can jump on their hind legs. And if I'm not wrong, I have never seen kangaroo physically. But when you go through encyclopedia of kangaroo, when you study the details of kangaroo, kangaroo can jump up to almost 20 to 25 feet in a single jump. जैसे लॉन्ग जंपर कितना लंबा छलांग लगाते हैं, ठीक उसी तरह कंगारू कैन जंप इजीली 20 टू 25 फीट इन अ सिंगल जंप. सो दिस वाज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंगारू. नाउ व्हाट हैपेंड हियर इन दिस पोयम रिटन बाय एडवर्ड लियर. बेसिकली एडवर्ड लियर इज अ पोएट who is known for writing a humorous part. Understood? This is a humorous poem, comedy. Here you don't have to apply too much of brain. It does not need you to understand in depth because it is all a comical part. When you go through the poem of Edward Lear and after referring that poem, you will come to a conclusion that practically this is not possible. Understood? Practically is not possible. So he is well known for writing nonsense type of poem. See, the word is given in material, right? He is very much mastered in writing nonsense type of poems. Now what happens in this poem? There is a direct conversation between duck and a kangaroo. Duck is bored with having a encircled life because his life is just made up of this small water body where he is swimming and living. Hardly is coming out on the bank. Hardly is enjoying any sunshine. So he is literally bored of one place. Kangaroo is his friend. So one day he is requesting his friend kangaroo. Hey, kangaroo, please take me to a joy ride, right? Because I have not been to single place anywhere except this pond, right? I want to see the world. I want to see different people. I want to see different things existing on this earth. But for me it is not possible because I am not that speedy animal. My limitation is that I am an animal of water. And this small water body, this pond, is my restriction. I cannot go beyond this. We are born here, we die in this pond. So basically, I want to relish nature. I want to see the world with my own eyes. So it is my request to you, kangaroo, that I want to see the world along with you because you are very fast animal. You can jump, skip, hop, everything. And second thing, you have very strong legs. You can travel far off places in one time. So if you carry me along with you, I would be lucky to see all these places which practically I cannot go. It is not possible for me to travel. But if you help me out, if you carry me along with you, it would be my great, it's a destiny. And I would be really obliged to you that I have seen the world, I have seen the different places. He is requesting in first two paragraph, a request is made by duck to kangaroo. Right? A pleading is made by duck to kangaroo. In third passage, kangaroo replies back, okay, you are my friend, I understand. But there is one problem. Understood? There is one problem. No doubt, a friend indeed is a friend indeed. I must help you out. But there is one problem. Which problem? Because see, you are a water animal. All day long you are swimming in water. Your belly portion is almost wet all the time. Your legs are almost wet.
and as it is remaining in water for long hours, it is very, very cold. And I do not have thick fur on my body. अंगारू को आप देखो ना तो बिल्कुल छोटी छोटी रुवाटी होती है, मान लो कि बेर है, अदर एनिमल्स है, लायन टाइगर है, बराबर उसको कितनी बड़ी केशवाही होती है, टाइगर पे भी थोड़ा थिक फर होता है, बराबर है, बेर तो कितने बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं उसकी बॉडी पे, फर होता है, कंगारू को इतने लंबे बाल नहीं होते, देयर आर वेरी स्मॉल यू कैन से हेयर्स ऑन देयर स्किन. सो अल्टीमेटली इफ आई विल अलाउ यू टू सिट ऑन माई बैक, स्पेसिफिकली दिस चिन पोर्शन, if I will allow you to sit on my back, then what amount of cold I will feel? Why? Because your legs are very cold, your belly portion is very extremely cold, and when you will ride on my back, this all thing will be placed on my back, and ultimately I will fall ill. Understood? It will create a back pain for me. शायद मेरी हड्डियों को ठंड लग जाती है, शायद नुकसान होगा मेरी हेल्थ पे. बाकी तो दोस्त है, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना, मेरे को दुनिया घुमाने में से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दोस्त है, मैं कर सकता हूँ. लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि तेरे पैर बहुत ठंडे होते हैं, तेरा पूरा बदन ठंडा होता है, अगर तू मेरे पे सवार हो गया, मेरे पीठ पे बैठ गया, तो मैं तो ठंड के मारे मर ही जाऊंगा, मैं आपको कैसे ले जाऊं? सॉरी दोस्त, आई कैन नॉट डू इट. डक वाइज था, बुद्धिशाली था, उसको मालूम था ऐसी कोई ना कोई तकलीफ आने वाली है, तो उसका इन्हें जुगाड़ कर लिया, उसका उसने जुगाड़ कर लिया. कैसे? तो उसने क्या किया कि भाई तेरी बात सही है, मेरे को भी ये मालूम था ही कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो एक काम करो, हम लोग जो है ना ये एक रास्ता निकालते हैं, मैंने तो दुनिया देखने का सोच ही लिया है, तो मैं क्या करता हूं, ये कोल्ड की वजह से अपने फीट को मैं कवर कर दूंगा, और उसके लिए मैंने 4 pair of socks खरीद रखे हैं, बराबर है, 4 pair of socks, एक पर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, ताकि मेरे ठंडे पैर आपके शरीर को टच ना कर सके. सेकेंड थिंग, मैंने एक ओवरकोट भी सिलवाया है टू कवर माई होल बॉडी, क्योंकि मेरा बेली पोर्शन वो जो वेट है, कोल्ड है, तो अगर मैं फर कोट ऊपर पहन लो, ओवर कोट, ओवर साइज, तो मेरे को भी ठंड में से राहत मिलेगी और तेरे को भी ठंड नहीं लगेगी. और सेकेंड थिंग, आई विल नॉट राइड ऑन योर बैक, आई विल राइड ऑन योर टेल, क्योंकि टेल में तो हड्डियां होती नहीं है, राइट, उसमें तो सिर्फ थिक हेयर्स ही होते, फर ही होते, तो उधर ठंड लगने की कोई गुंजाइश नहीं है. लेकिन तेरे को मेरे को घुमाना ले जाना ही पड़ेगा, दैट्स ऑल. कंगारू समझ गया कि बिल्कुल सही है, अगर इसने पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए है तो लेट अस गो फॉर अ राइड. एंड बोथ ऑफ देम फाइनली एनसर्कल्ड द अर्थ फॉर 3 times. पूरी दुनिया वो लोग 3 बार घूम के वापिस आ गए, राइट. डक कहां बैठा था? कंगारू की पूछ पे, राइट. देखो आपकी टेक्स्ट बुक में वो फोटोग्राफ भी दिया है, ही इज राइडिंग ऑन द टेल ऑफ दैट कंगारू, एंड ही वाज देयर टू सी द होल वर्ल्ड आउट, एंड 3 times ही हैव सीन द होल वर्ल्ड. तो ऐसा पोयम का सेंट्रल आइडिया है, समझ में? नाउ वी विल स्टार्ट विथ पोयम. ओके, नाउ देयर आर सम मीनिंग्स which you are supposed to write. I will dictate, जैसे मैं क्लास में आपको बोलता था, बराबर है, ठीक उसी तरह मैं आपको मीनिंग बोलूंगा, लिखूंगा, आप लिख लेना. ओके, चलो पेज नंबर 29. रेडी चिल्ड्रन?
पेज नंबर 29। Said the kangaroo, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope? Good gracious means feeling expression of joy, exclamatory sentence. How beautiful, good gracious means how beautiful do you hope? Hope means jump. Hope is equal to jump or skip. Right? How do you jump or skip? Good gracious, how do you hope? Over the fields and the water too. You are such a lucky person. You can roam anywhere you like, in the huge forest, in open space, over the water bodies. Understood? Really, you are a lucky person. If you never stop, जैसे कोई तेरे को अटका रोकने वाला ही नहीं है. As if you never stop. अभी वो अपनी बात बताता है. My life is more in this nasty pond. Nasty means useless. Nasty. Useless. Basically, nasty का अलग meaning होता है, लेकिन हम poem के हिसाब से meaning बनाते हैं, बराबर? ताकि आपको answer लिखने में कोई दिक्कत ना हो, right? My life is more in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I'm really fed up of this life, living in this water. I want to see the world beyond. पूरी दुनिया देखनी है, तरह तरह की चीजें देखनी है, लेकिन मैं कैसे जा सकूं? क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अकेला दुनिया घूमने जा सकूं. सही बात है. I wish I could hope like you. काश भगवान ने भी मेरे को तेरे जैसे मजबूत पैर दिए होते, आज मैं कहां पहुंच गया होता. राइट? I wish I could hope like you, said the duck to kangaroo. अपनी चिंता जताई, अपनी विवशता बताई कांगारू को कि तू कितना भाग्यशाली है, भगवान ने तेरे को स्ट्रॉन्ग लेग्स दिए है, बराबर है? तू इतना स्विफ्ट है, पावरफुल है, तू पूरी दुनिया घूम सकता है, लेकिन मेरा क्या, मैं क्या करूं? थक चुका हूं ये छोटे से वाटर बॉडी में रह रहे के. I wish to see the whole world. मैं क्या करूं? Right? Please give me a ride on your back. मेरा दोस्त है, तो दोस्ती तो निभा तू. सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को काम आए, दोस्त के काम आए, तो अपनी दोस्ती निभा. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. कि मैं तेरे पीठ पे बैठ के पूरी दुनिया की सैर करना चाहता हूं, पूरी दुनिया देखना चाहता हूं. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू कांगारू. आई विल सिट स्टिल एंड नथिंग टू से क्वेक. क्वेक मीन्स एक्सप्रेसिंग जॉय, फीलिंग हैप्पी. राइट? मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ खूब दुनिया देखूंगा, हंसूंगा, प्रफुल्लित होगा. लेकिन तू मेरे को एक बार सैर करने ले जा. इट इज माय इंटरनल विश. आई विल सिट स्टिल एंड से नथिंग क्विक द होल ऑफ द डे थ्रू आउट. आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड थ्रू आउट द डे. इज इट क्लियर? आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड थ्रू आउट द डे, प्लीज. And we will go to the D, the jelly bee bow. Right? D. Jelly
B-O, name of a places. Name of a places, right? We'll go visit different places, right? We will visit all these different places, please. And we will go Jelebibo, over the land, over the sea. Please take me to the ride, oh dear, said the duck to kangaroo. Please, किसी भी तरह adjust कर कुछ, हिसाब कर, मेरे को ले जा. बराबर है? I want to see the whole world. Please कुछ करके ले जा. तो ये दो पैराग्राफ क्या थे? डक की कांगारू से रिक्वेस्ट. सेड द कांगारू टू द डक. अभी कांगारू ने जवाब दिया. क्या बोलता है वो? दिस रिक्वायर्स सम लिटल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स थिंकिंग. रिफ्लेक्शन थिंकिंग. रिफ्लेक्शन मतलब थिंकिंग. लेट मी थिंक. कैसे मैं आपको अपने आप अपने दोस्त को शहर पे ले जाऊं, कैसे शहर करवाऊं. लेट मी थिंक. सेड द कांगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स लिटिल थिंकिंग. परहैप्स ऑन द होल इट माइट मी ब्रिंग मी लक. आई वुड बी रियली लकी टू सर्व माई फ्रेंड. आई वुड बी रियली लकी टू सर्व माई फ्रेंड. स्टूड. Perhaps on the whole, it might bring me bad luck, and seems to be one objection. Objection मतलब problem, right? तेरे को दुनिया घुमाने से मेरे को कोई problem नहीं है, दिक्कत नहीं है. लेकिन there is one objection. Objection मतलब problem, right? Right? Objection, problem. O B J A C T I O N. Objection, problem. Right? There is one problem. Which is, if I let you speak so bold, right? Speak bold means speak bold. Be, sorry, to say clearly, to say clearly, without any fear. जो सत्य हकीकत है वो मैं तेरे को बताना चाहता हूं. Perhaps on the whole might bring me luck, and seems to be one objection, which if you let me to speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. क्योंकि पूरा दिन तेरे पैर पानी में रहते हैं, तेरा बॉडी पानी में रहता है, तो ये हिस्सा बहुत कोल्ड और वेट होता है. मैं ठंड के मारे मर जाऊं तेरे को अगर मैं पीठ पे बिछाऊं तो मेरा क्या होगा? यू हैव टू बी रैशनल ना. योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमेटिस, सेड द कांगारू. रूमेटिस मतलब सॉरी पेन इन बोन्स. मेरी हड्डियां सिकुड़ जाएगी, रोमेटिज्म का मैं शिकार हो जाऊंगा. आई कैन नॉट रिस्क यू. हाउ कैन आई कैरी यू, राइट? डक भी बहुत चालाक था, उसने जुगाड़ कर लिया था. सेड द डक, राइट? सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक. दिस इज द थिंग आई अंडरस्टूड. वंस आई वॉज सिटिंग लेजरली फ्रीली, आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस. इसका भी मैंने जुगाड़ कर लिया है. सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली. मैंने उसका पूरा जुगाड़ कर दिया है. सही बात है. आई हैव बॉट फोर पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स. वर्स्टेड सॉक्स मीन्स वुलन सॉक्स. समझ में? मैं
फोर पेयर ऑफ वुलन सॉक्स लेके आया हूं, एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ताकि तेरे को कुछ ठंडी लगे ही नहीं, समझ में। आई हैव बॉट फोर पेयर ऑफ वॉस्टेज सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली। अपना पूरा पैर मैं सॉक्स से ढक दूंगा ताकि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्रॉट अ क्लोक, क्लोक मीन्स ओवरकोट, ओवरकोट, राइट, लॉन्ग कोट, ओवरकोट और लॉन्ग कोट दोनों में से कोई भी, राइट। तो अपना पूरा शरीर है वो मैं कोट से ढक लूंगा, जो मेरे ठंडे पैर है उस पर फोर पेयर्स ऑफ सॉक्स लगा लूंगा। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। जब आप घूमने जाएंगे तब ठंडी से बचने के लिए रोज मैं एक सिगरेट पी लूंगा। सिगरेट मीन्स सिगार, यूथ बिग साइज सिगरेट, बेसिकली इट इज फाउंड इन वेस्ट इंडीज, हवान आइलैंड्स, राइट। आई विल स्मोक वन सिगार, सो आई विल गेट इंटरनल हीट, एक्सटर्नली आई विल बी प्रोटेक्टेड बाई सॉक्स एंड ओवरकोट, सो देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग वेट, यू विल बी सेफ, आई विल बी सेफ, we'll see the world together, right? And every day I will smoke one cigar, all to follow on my true dear love for kangaroo. Ye sab main kyun kar raha hu? Because I have true love towards you, you are my best friend, and I want to see the whole world with your eyes. If you carry me, we both will enjoy the whole journey, we'll see different places, we'll have a lot of fun together, traveling together. Understood? So, जो डक ने तैयारियां की थी, सॉक्स लाया था, क्लोक लाया था, सिगार पीने की बात की थी, वो सब कंगारू को कन्विंस कर दिया, right? See the kangaroo, then I am ready. तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चलो आज ही निकलते हैं, है? See the kangaroo. I am ready. In all the moonlight, pale. Pale means dull moonlight. आज रात को ही निकलते हैं, शाम को निकल जाएंगे, फिर क्या है सोचने का? अगर तेरे पास सारी तैयारियां हैं तो why to waste time? Today let's move together. Understood? Said the kangaroo, I am ready. All in the moonlight, pale. But to balance me well, dear duck, sit steady. Don't move your body here and there. Don't create imbalance. Firmly hold me so I can jump, hop at my top speed without thinking of you riding back. Right? But to balance me well, dear duck, sit steady. And quite at the end of my tail, meri pooch ke bilkul end pe aap baith jao. टाइटली पकड़ो, क्योंकि उधर बड़े बड़े रुच्छे होते हैं, टेल थिक होती है कांगारू की, ताकि आपको ये पूछ पकड़ने की ग्रिप मिले, अब गिर ना जाओ, राइट। सो दे वेंट विद द होप एंड बाउंड, दोनों निकल पड़े पूरी दुनिया की सैर करने, एंड दे होप द होल वर्ल्ड थ्री टाइम्स राउंड। पूरी दुनिया वो लोग कितनी बार घूमे? तीन दफा पूरी दुनिया घूमे। And they all hope the world three times round. So happy who was as the duck and kangaroo. So this was a simple, one type of easy going poem connected to children. I hope you have understood, right? Now, see, as I told you, questions are not given, right? Questions are not given. As I explained you the poem, you are supposed to write by your own, okay? Question number one, homework. And now, same question will be asked in test. Question number one. Write the central idea, of
the poem. Right, the central idea of the poem. कौन सी poem? Duck and the kangaroo. Right? Question 2. What request was made by duck to kangaroo? Why? What request was made by duck to kangaroo? Why? Right? Question 3. What reply was given by kangaroo to duck? What reply was given by kangaroo to the duck? Question 4. What preparation what preparations were made by duck? What preparations were made by duck? Question number 1. Tell the central idea of the poem, the duck and the kangaroo. Question number 2. What request was made by the duck to kangaroo? Why? First two paragraph. Answer is in first two paragraph. Third. What reply was given by kangaroo to the duck? उसने क्या बताया था? वो ठंड के बारे में बताया था ना वो. एंड फोर्थ, व्हाट प्रिपरेशन वाज मेड बाय डक? ठंड से बचने के लिए, पूरी दुनिया घूमने के लिए कांगारू ने कौन सी तैयारियां कर ली थी? सॉरी, डक ने कौन सी तैयारियां करी थी? वो आपका दूसरा वाला आंसर है. तो ये चार क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं. आपको लिख के अपने एसोसिएट टीचर को भेजना है, और जब WOT आएगी तो ये चार में से और कोई चेंज करके मैं पूछ सकता हूं. राइट चिल्ड्रन, वन मोर इंस्ट्रक्शन. ऑन वेनसडे यू आर हैविंग WOT ऑफ चैप्टर नंबर द बॉन्ड ऑफ लव. वंस मोर आई एम टेलिंग यू, on Wednesday, that is 19th date, you will have WRT of chapter number, right? It is chapter number 9, the bond of love, as your WRT. Okay, so with this we are ending this lecture. See you next lecture. Till then, goodbye.